तरीका अपनी ही हो जाए। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, वो इस शिकायत को लेकर आते हैं कि हमारे बेटे को सुधार कीजिए। मैं कहता हूँ भाई क्या तकलीफ है, ये रोज क्लास करता है, रोज प्लेट तोड़ता है। तो मैंने कहा आप सुधर जाइए। बेटे की बाप को कहता हूँ या माँ को कहता हूँ, उसका तो स्वभाव है तोड़ने का फोड़ने का, जब तक कफ में है वो ये सब करेगा। सावधानी रखनी है क्या कि टूटे हुए कांच से वो अपने को चोट ना लगा या टूटी हुई प्लेट से वो अपने को चोट ना लगा। आपको इतनी सावधानी रखनी है, तोड़ फोड़ नहीं रोक सकते आप उसे, समझा सकते हैं थोड़ा समझा के छोड़ दीजिए, मारना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कफ प्रकृति का सबसे महत्व का लक्षण है। उसके साथ अगर आपने कठोरता का व्यवहार किया तो जीवन भर के लिए वो बैठ जाता है, निकलता नहीं उसके दिमाग से। और माता पिता जो कि सबसे नजदीक है उससे, उनका व्यवहार अगर कठोरता का है तो वो तो बहुत तकलीफ देता है। तो मेरा आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है, अष्टांग हृदय के सूत्र का अपने परिवार में जरूर पालन करिए। बच्चों को डांटना डपटना मारना पीटना उनको किसी तरह की सजा देना ये तो सबसे खराब है। कई बार हम सजा दे देते हैं, खड़े हो जाओ हाथ ऊपर कर लो। स्कूल घरों में भी अब आ गया ये, स्कूल का दुर्गुण घरों में आ गया। स्कूल में टीचर ने कहा खड़े हो जाओ हाथ ऊपर कर लो, या मेडल बन जाओ या तो मुर्गे बन जाओ, ये सबसे खराब है। ये सारे की सारी प्रताड़ना उस बच्चे को खत्म कर देती है, बिगाड़ देती है उसकी जिंदगी को दूसरे रास्ते पर। तो आप मत करिए, प्रताड़ित मत करिए, डांटना डपटना मत करिए, मारपीट तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपको मारने का अधिकार ही नहीं है, कोई अधिकार नहीं है आपको मारने। वो भगवान देन है, भगवान ने आपको दिया है उसको सहेजने और संवारने के लिए। तो अपने को धन्य मानिए कि हमको ईश्वर ने एक मौका दिया है, वरना करोड़ों लोग तड़प रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे। मैं उनको देखता रोते हैं पति पत्नी बैठ के मेरे सामने, क्या करें 10 साल हो गया 15 साल। जिनके पास कुछ नहीं है उनसे पूछिए कीमत क्या है। आपके पास भगवान ने दे दिया तो उसको सहेजिए संवारिए, मारना पीटना ताड़ना देना डांटना डपटना ये सब बंद है। और उनको होमवर्क के लिए तो कभी दबाव रखता है, होमवर्क करो क्या होगा करके, मैंने बहुत कर लिया। जो होमवर्क उनको कराया जा रहा है जिंदगी के बिल्कुल काम का नहीं है। हाँ फिर क्या करें, उस पर चर्चा हो सकती है। इतना तो करिए कि पहले नहीं जो करना है वो ये, फिर क्या करना है उसमें से निकलेगा। भाई ये नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना, तो फिर ठीक है अब हम क्या करें। तो उनको होमवर्क पे ज्यादा जोर नहीं, और ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं स्कूल वाली कॉलेज वाली, इससे जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। आप बोलिए मैं स्टाम्प पेपर पे लिख देता हूँ, 100 रुपए के पेपर पे, 500 रुपए के पेपर पे, 1000 रुपए का या जितना महंगा आता हो 50,000 का उस पर भी लिख देता हूँ। जो स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, भले इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो भले मेडिकल कॉलेज में पढ़ो, वो जिंदगी में काम बिल्कुल नहीं आएगा। जो जिंदगी में काम आएगा वो कुछ और है, वो उनको समाज में से मिल रहा है, थोड़ा बहुत आपसे मिल रहा है, पड़ोसियों से मिल रहा है, उनके दोस्तों से मिल रहा है, सहयोगियों से, वो और ही चीज है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल नॉलेज। वो उनको स्कूल कॉलेज में नहीं मिल रही है, इसलिए स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पे ज्यादा मारामारी मत करिए। और इस बात पे कभी गर्व मत करिए कि मेरे बेटे के 98% नंबर आ गए, 99% आ गए तो मैं मान लेता हूँ ये तो बेकार है। 99% आ गए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्कूल और कॉलेज का कोई सिलेबस उसने रट्टू तोते की तरह से घिसा और क्लास में जाके लिख दिया, यही तो है ना, वो रट्टू तोता हो गया, पोपट हो गया। अब उसके दिमाग का विकास रुक जाएगा। मैं तो ऐसे बच्चों के देखकर बहुत खुश होता हूँ जिनके माता पिता कहते हैं 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, उनका बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो 4 सब्जेक्ट का कचरा अभी तक दिमाग में घुसा दे, दिमाग खाली है, उसको नई चीजें सिखाई जा सकती है, बताई जा सकती है। तो बच्चों को नंबर के लिए कभी प्रताड़ित मत करिए, उसके 99% आए इसकी अपेक्षा कभी मत करिए, क्योंकि जिनके 99% आ रहे हैं उनको भी हम जानते हैं, वो सड़क पे चप्पल ही चटका है, नौकरी नहीं है, 500 रुपए की परेशान। आप
किस चीज के लिए आप परेशान हो रही है, उनको नॉलेज मिल रही है, फंक्शनल नॉलेज, ये चिड़िया है, ये तोता है, ये कौवा है, ये पानी है, ये बारिश का पानी, ये कुएं का पानी, इसमें ये भिन्नता, इसमें ये भिन्नता, कौवा ऐसा है, तोता ऐसा है, ये वैसा है, ये मिल रहा है, ये पेड़ है, ये इमली का है, ये अमरूद का है, ये अशोक का है, ये इसका है, और इसमें आपस में भिन्नता क्या है, इस पेड़ पे कौन सी चिड़िया बैठी, उस पेड़ पे कौन सी चिड़िया बैठी, ये गाय है, ये भैंस है, ये बछड़ा है, ये बछड़ी, ये चीजें अगर वो सीख रहा है तो समझ लो जीवन उसका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ज्ञान इन्हीं चीजों में है। आपको पता नहीं है तो सीखो पहले, आप बच्चों को भी वही सिखाना, तो कोशिश करो कि बच्चों को फंक्शनल नॉलेज आए, ये स्कूल कॉलेज की नॉलेज में ज्यादा जोर डाल के उनका दिमाग खराब करना कोई जरूरत नहीं है। नंबर के लिए कभी उनको कहना बिल्कुल नहीं। और आजकल मैंने इतना देखा है अपने जीवन में, 12वीं के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, 11वीं के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों सुसाइड कर रहे हैं? 98% नहीं आए, माता पिता की अपेक्षा थी 98% लाभ नहीं आया, आत्महत्या कर लिया, पंखे से लटक गया, सल्फास की गोलियां खाई, हर साल हजारों केस, इम्तिहान में फेल हो गया, दुनिया के जितने महान वैज्ञानिक है सब फेल हुए इम्तिहान, न्यूटन फेल हुआ, आइंस्टाइन फेल हुआ, क्लार्क सब फेल हुए, और सब बड़े वैज्ञानिक बन गए, कोई तो 8वीं के ऊपर ही नहीं पढ़ा, और आज सारी दुनिया उन पर PhD करती है, न्यूटन 8वीं के आगे नहीं पढ़ा और सारी दुनिया न्यूटन पे PhD करती है, आइंस्टाइन कक्षा 9 में फेल हो गया, स्कूल वालों ने निकाल दिया, अब सारी दुनिया आइंस्टाइन को लेकर डॉक्टरेट और डबल डॉक्टरेट कर रही है। तो कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसमें दुख मत व्यक्त करिए, और उसके सामने ये मत करिए तू नालायक है, निकम्मा है, पास भी नहीं हो सकता, ये देखिए कि उसमें कौन सी ऐसी खूबी है कि वो फेल हुआ है, शायद कोई और भी कारण है, वो ज्ञान को किसी दूसरे तरीके से समझना चाहता है, आपने एक ही रास्ता उसको दे रखा है। और मुझे इतना खराब लगता है जब स्कूलों में जाओ बच्चों को चुप, कीप क्वाइट, कीप साइलेंट, टीचर दिन भर उनको चुप भी कराती रहती है, वो कफ प्रकृति का है, चुप रहेगा कैसे ये बताओ, कफ प्रकृति ही है, वो चुप रह नहीं सकता, उसका तो स्वभाव है वैसा, आप उसको थोड़ी देर चुप चुप थोड़ी देर रहेगा डर के बाद फिर वापस फिर उसमें आने ही वाला है, तो चुप कराने बैठाना नहीं, और उसको कभी ये सजा मत देना यहां बैठो बस, ये वो जहां चाहे वहां बैठे, जो चाहे वो करे, आपका फिर इतना ही काम है कि वो कोई ऐसा नुकसान अपने लिए ना कर ले जो भविष्य के लिए तकलीफ दे दे और आपको तकलीफ दे, आप इस तरह से बच्चों से थोड़ा व्यवहार करना। ये अष्टांग हृदय के सूत्रों में से 2 सूत्र निकाल के मैंने, इसमें पूरा अध्याय है, गर्भ में बच्चा आने से शुरू होता है अध्याय, और उस बच्चे को जिम्मेदार नागरिक बनाने तक का पूरा अध्याय, कैसे बच्चों को पढ़ाना पड़ा। मैंने कल आपसे कहा था दुनिया का सबसे मुश्किल काम है बच्चे को बड़ा करना। हम एक बीमारी के बारे में कल शाम को चर्चा करने वाले थे, वो है डिप्रेशन, वो अभी कर ले।